तो सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी यहाँ बहुत अच्छे से हूँ। और जैसे कि बज चुके हैं दोपहर के 12 और मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, लेकिन मैं आपके पास गुड मॉर्निंग करने के लिए भी नहीं आ पाई, बिकॉज़ अभी लंच की तैयारी हो रही है। लंच की तैयारी में आज मैं क्या बनाने लगी हूँ? आज मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते, जिसको हम घिया के कोफ्ते भी कहते हैं। तो आप बताइएगा कि किस किस के शहर में लौकी घिया को और क्या कहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है? तो आज मैंने सोचा कुछ नया बनाया जाए, तो लौकी के कोफ्ते बनाने लगी हूँ और शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ आपके साथ। मिलते हैं किचन में। ये हमारा बैटर है जिसमें मैंने घिया कसकर कद्दूकस से कसकर इसमें डाली थी। इसमें बेसन के साथ हल्दी मिर्च, हरी मिर्च और जीरा, ये सब डाला है और इसका एक बैटर तैयार कर लिया है। जैसे हम पकोड़े बनाते हैं वैसे ही बना लिया है हमने। और ये हमारी कढ़ाई में देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है, एकदम गोल्डन हो जाएगा। तो इसको हम निकाल लेंगे और इधर प्लेट में हम सर्व कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसकी सब्ज़ी तैयार करेंगे, जो मैं आपके सामने शो करूँगी। अभी आपको दिखाऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। ये कितने प्यारे लग रहे हैं, एकदम गोल्डन हो रहा है। ज़्यादा मैंने ऑयल नहीं डाला, इतना ही ऑयल डाला है कि जितना कि 4-5 इसमें कोफ्ते हम फ्राई कर सके, और उसके बाद ऑयल इतना ही रह जाएगा जितना हम इसको मतलब प्यूरी के लिए तैयार कर सकें। ज़्यादा ऑयल भरकर फ्राई करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए थोड़ा ही ऑयल डालकर उतना ही करें जितना मतलब आप मतलब क्या कहते हैं कोफ्ते फ्राई कर सकें। दिखाई दिया था कि ये मेरे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं और अभी इसका मसाला हो रहा है। इसमें मैंने रिफाइंड डालकर उसमें हींग जीरा डालने के बाद प्याज, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डाला है। अभी इसके बाद मैं इसमें टमाटर की प्यूरी डालूंगी। देख ही सकते हैं प्याज का रंग गोल्डन ब्राउन होने लगा है। अभी बस थोड़ी देर में इसमें टमाटर प्यूरी डाल देंगे। टमाटर प्यूरी में मैंने ये पेस्ट बना के रख दिया है, इसी में मिर्च मसाले में डाल देती हूँ ताकि साथ में टमाटर प्यूरी और मसाला जब मतलब होगा तो इसमें मसाले भी अच्छे से पक जाएंगे। तो इसमें मैंने डाला है हल्दी, मिर्च, पिसा हुआ धनिया और थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक कोफ्तों में भी है इसलिए मसाले में थोड़ा कम रखा है। बाकी अभी देखिए मसाला प्याज अच्छी हो चुकी है, एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। टमाटर प्यूरी और मसाले मैंने डाल दिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा मतलब 2-4 मिनट उबाल आ जाए, फिर इसमें जब ऑयल बाहर आ जाएगा तो फिर इसको थोड़ा सा और इसको पकाएंगे, फिर उसके बाद कोफ्ते डालेंगे। तो अभी इसको ढक के रख देते हैं 2-4 मिनट के लिए ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। कलर मस्त कलर हो रहा है, कितना अच्छा से मतलब पक चुका है। और ऑयल भी देखो, इतना ज़्यादा मैंने ऑयल नहीं डाला था, जिससे कि जितना डाला था वो काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका था और बहुत अच्छा तैयार हो चुका है। पानी डाल दिया है और इसमें मैंने थोड़ा हद से ज़्यादा पानी डाला है, बिकॉज़ जब ये पक जाएंगे ना तो कोफ्ते पानी सोख लेते हैं, फिर ये सूखे हो जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा थिक रखने के लिए थोड़ा पानी एक्स्ट्रा डाल दिया है। तो बाकी बनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मेरे कोफ्ते की सब्ज़ी कैसे बनी है। दोस्तों ये हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, हमारी प्लेट तैयार हो चुकी है और कोफ्ते जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि मैंने बताया था ना कि इसमें देखिए मैंने पानी कितना रखा था, उसके बावजूद भी देखो सारा पानी सोख लिया कोफ्तों ने। कोफ्ते पानी सोख लेते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें, ताकि अगर कोई भी कमी अगर आपको लगती है तो वो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा ताकि उस कमी को पूरा किया जा सके। तो हम इंजॉय करते हैं अपने लंच से और आप भी इंजॉय कीजिए। आपको कोफ्ते कैसे पसंद हैं आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।